दोस्तों ये है Realme 2 Pro। इसके अंदर अभी मैंने आपको GKM इंस्टॉल करके दिखाया था। तो दोस्तों आज हम Realme 2 Pro के नाइट स्केप मोड में और गूगल कैमरा के नाइट साइट मोड में एक कंपैरिजन करने वाले हैं। दोनों के बीच में आपको पता चल जाएगा कि कौन सा कैमरा आपके लिए बेस्ट होने वाला है और कौन सा कैमरा आपके लिए नाइट में सबसे अच्छा परफॉर्म करने वाला है। तो दोस्तों इस कंपैरिजन के अंदर आपको बहुत सारे इमेजेस मैंने क्लिक किए हैं, उसके बाद में मैं आपको कंपैरिजन करके वन बाय वन साइड बाय साइड दिखाने वाला हूं इस कंपैरिजन को। तो दोस्तों वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, तभी आपको पता चल पाएगा कि आपके लिए बेस्ट कैमरा कौन सा होने वाला है नाइट फोटोग्राफी के लिए। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है महेश, आप देख रहे हैं टेक टू ग्लाइड चैनल को। चलिए शुरू करते हैं इसी। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको एक चीज क्लियर करता चलूं, क्योंकि ये गूगल कैमरा जो है वो सभी फोन्स में सपोर्ट नहीं करता, ये उन्हीं फोन्स में सपोर्ट करता है जो कि रूट हो या फिर इनके अंदर हाल फ्री वगैरह का एप्लीकेशन सपोर्ट हो, डेवलपर ऑप्शन खुला हुआ हो। तो दोस्तों गूगल कैमरा पिक्सल 3A में सपोर्ट करता है, पिक्सल 3 में सपोर्ट करता है और ये नाइट साइड फोटोग्राफी आपको इसमें काफी बेहतरीन देखने को मिल जाती है। दोस्तों नाइट साइड फोटोग्राफी करने के लिए गूगल ने एक अलग से इसमें एक सिस्टम बनाया हुआ है। इसमें आपको फोन को जबरदस्त तरीके से होल्ड करना पड़ता है। तो इसके लिए मैं तो आपसे बोलूंगा कि आपके पास एक ट्राईपॉड या फिर गोरिल्ला पॉड होना ही चाहिए, जब भी आप नाइट साइड फोटोग्राफी अच्छे से कर पाएंगे, वरना आपका हैंड जरा भी शेक हुआ तो आपकी फोटो पूरी ब्लरी हो जाएगी, पूरी बेकार हो जाएगी और कलर्स फेड हो जाते हैं। अब दोस्तों मैं बात करता हूं आपसे गूगल नाइट साइड मोड काम कैसे करता है। दोस्तों गूगल का नाइट साइड मोड काम इस तरीके से करता है कि इसके अंदर AI कैपेबिलिटीज होती है। AI कैपेबिलिटी जो होती है वो अपने आप से जज करती है कि अभी दिन है या रात है, उसके हिसाब से वो फोटोग्राफी करके आपको देती है। तो जैसे दोस्तों आप नाइट में फोटोग्राफी करेंगे तो उसके हिसाब से ये शटर की स्पीड को थोड़ा स्लो कर देगा और साथ में ISO के जो आपका मैनुअल सेटिंग्स है उनको भी थोड़ी सी पर्सनली छेड़ देता है, जिसकी वजह से ये फोटोग्राफी काफी अच्छी हो जाती है और आपको अपने हैंड को काफी स्टेबल रखना होता है। तो इसी वजह से मैं आपसे कहूंगा, हर कोई अपने हैंड को स्टेबल नहीं कर सकता है, कुछ ना कुछ हिल ही जाता है, इसी वजह से मैं आपसे कहूंगा ये फोटोग्राफी आप ट्राईपॉड के साथ में करें, तभी आप एक अच्छी पिक निकाल पाएंगे गूगल कैमरा की मदद से। तो चलिए दोस्तों अब यूज करते हैं गूगल कैमरा को और नाइट स्केप मोड को, दोनों ही मोड के बीच में एक कंपैरिजन करके देखते हैं और आपको मैं वन बाय वन सारी जो मैंने क्लिक्स की है पिक्स उनको दिखाने वाला हूं। तो आपको दोनों फोन को जज कर लेंगे कि आपको कौन से कैमरा की तरफ यूज करना चाहिए या फिर नाइट साइड फोटोग्राफी आपको किस मोड किस कैमरे के अंदर करनी चाहिए। तो दोस्तों चलिए अब हम शुरू करते हैं दोनों ही फोन्स का कंपैरिजन। तो दोस्तों सबसे पहले आपको मैं नाइट साइड मोड में लेके जाऊंगा गूगल कैमरा के। तो दोस्तों गूगल कैमरा के नाइट साइड में मोड में जाने के लिए आपको ये देख सकते हैं गूगल कैमरा को आपको ओपन करना होगा। अब दोस्तों आपको ये मोर वाला ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक करना होगा। ये दोस्तों आप देख सकते हैं नाइट साइड मोड। तो दोस्तों नाइट साइड मोड पे आपको क्लिक करना है, ये नाइट साइड मोड ओपन हो चुका है। अब दोस्तों मैं आपको दिखा देता हूं, एक पिक मैं क्लिक करने वाला हूं नाइट साइड मोड से कि आपको अपने हैंड को कितना स्टेबल रखना होगा। जैसे दोस्तों आप देख सकते हैं, ये दोस्तों आप देखिए जो पिक खिंच के आई है गूगल कैमरा से नाइट साइड मोड यूज करने के बाद, ये देखिए दोस्तों कितनी अंधेरी कंडीशन थी, उसके बावजूद देखिए पिक कितनी अच्छी आई है, एकदम क्लियर। अब दोस्तों मैं आपको नाइट स्केप मोड यूज करके दिखाता हूं। आपको स्टॉक कैमरा के अंदर जाना है, नाइट स्केप मोड के अंदर आना है। अब दोस्तों नाइट स्केप मोड में एक हम फोटो लेंगे, ये दोस्तों देख सकते हैं आप, ये नाइट स्केप मोड है। क्योंकि दोस्तों अभी कंडीशन डेलाइट जैसी है मेरे सेट के ऊपर, तो मैं नाइट की एकदम फोटोग्राफी आपको लगा के देने वाला हूं। उस कंपैरिजन को आप वन बाय वन देखिए, उसके बाद में आप बिल्कुल जज कर लेंगे कि आपको कौन सा कैमरा यूज करना चाहिए। अब दोस्तों भाई मैं आपसे बात करता हूं फ्रंट कैमरे की गूगल कैमरा के अंदर। तो दोस्तों फ्रंट कैमरा इतना अच्छा वर्किंग नहीं कर रहा है, मैंने स्टेबिलिटी पूरी तरीके से चेक करके देख लिया, मैंने ट्राईपॉड से लगा के भी फोटो खींचा, हाथ से भी खींचा, लेकिन कलर्स बहुत ज्यादा फेड हो रहे हैं और एकदम ब्लरी फोटो आ रहा है। जैसे मैं आपको एक फोटो खींच के दिखा देता हूं,
ये दोस्तों देख सकते हैं आप, फ्रंट कैमरा का फोटो है, ये इस तरीके का फेड कर दे रहा है, यानी फ्रंट कैमरा आपके लिए अच्छा वर्किंग नहीं कर रहा है अभी गूगल कैमरा के अंदर। इसी वजह से मैं आपसे कहूंगा कि आप फ्रंट कैमरे को यूज ना करें और बैक कैमरे से फोटोग्राफी करें, काफी अच्छे फोटोज आपको देखने को मिल जाएंगे अगर आप बैक फोटोग्राफी करेंगे नाइट साइड मोड के साथ में नाइट में। तो चलिए दोस्तों आपको मैं सारे सैंपल शॉट्स लगा के दिखा रहा हूं, आप वन बाय वन देखिए इनको और जज कीजिए आपके लिए कौन सा कैमरा बेस्ट होगा, और मुझे भी जरूर बताना कमेंट सेक्शन के अंदर कि आपके लिए कैमरा कौन सा बेस्ट रहने वाला है, और आपको इस वीडियो से कैमरा यूज करने में कुछ हेल्प मिली हो तो आप मुझे इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपके लिए यहाँ पे बहुत सारी अमेजिंग गैजेट्स की वीडियोस और साथ में आपको रियलमी से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस आपको देखने को मिल जाती है, जैसे हाउ टू इंस्टॉल GCam और इस टाइप की वीडियोस, हिडन टिप्स एंड ट्रिक्स वगैरह सब कुछ आपको देखने को मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों अब मैं सैंपल शॉट्स दिखाने वाला हूँ आपको। तो दोस्तों अब आपने सारे फोटोज और कंपैरिजन वगैरह देख लिए होंगे, तो दोस्तों दोनों के बीच में आपको पता चल गया होगा कि कौन सा कैमरा ज्यादा परफॉर्म अच्छा कर रहा है, क्योंकि दोस्तों गूगल कैमरा आपको पता है पिक्सल 3a में भी सपोर्ट करता है और पिक्सल 3 में भी सपोर्ट करता है। नाइट साइड फोटोग्राफी इसके अंदर बहुत अच्छी होने वाली है, आप देख चुके हैं कैमरा के फोटोज, जो भी फोटोज मैंने खींचे इसके अंदर Realme 2 Pro का जो कैमरा था उसमें तो आपको ज्यादातर अंधेरा ही अंधेरा दिखाई दे रहा है, लेकिन आप गूगल कैमरा के अंदर में देखेंगे जो नाइट साइड फोटोग्राफी इतनी बेहतरीन होती है और इतनी अच्छी फोटोग्राफी है कि आप दोस्तों मैं तो यही कहूंगा कि मुझे गूगल कैमरा पर्सनली बहुत पसंद आया है, और Realme 2 Pro का नाइट स्केप मोड में अभी बहुत सुधार की जरूरत है, मुझे नाइट स्केप मोड बिल्कुल पसंद नहीं आया है नाइट साइड फोटोग्राफी के लिए। तो दोस्तों यही था इस वीडियो के अंदर, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे यूट्यूब चैनल को। तो दोस्तों मिलता हूँ आपसे अगली ऐसी एक लेटेस्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान, भारत माता की जय। और साथ में दोस्तों मैं आपके लिए बहुत ही अमेजिंग गैजेट्स वगैरह लेके आया हूँ, देख सकते हैं आप कितना अमेजिंग गैजेट है, ये गैजेट्स आपके लिए अनबॉक्सिंग होने वाली है, और साथ में मैं आपको ये 4-in-1 गैजेट्स हैं जिसके अंदर आपको बहुत सारे अच्छे अच्छे टॉयज वगैरह देखने को मिल जाते हैं। ये दोस्तों सोलर से चलने वाले सारे अमेजिंग गैजेट्स हैं, इन गैजेट्स के लिए मैंने अमेजोन से ऑर्डर किए और आपके लिए मंगाए। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, तभी आप इन सबकी अनबॉक्सिंग और किस तरीके से इन्हें प्रिपेयर करना है सब कुछ आप देख पाओगे। तो दोस्तों चलिए मिलता हूँ आपसे अगली ऐसी ही लेटेस्ट वीडियो।